नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूं एक USB मिनी स्पीकर की, जो कि लैपटॉप या कंप्यूटर के काम आता है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा प्रोडक्ट है, इसे मैं खोल के देखता हूं। आप देख सकते हैं इस पर फ्लिपकार्ट की पैकिंग है, क्योंकि मैंने फ्लिपकार्ट से ये मंगाया है। तो दोस्तों, ये हमारे USB स्पीकर, 3 वॉट का इसका आउटपुट है। इसकी कंपनी है क्वांटम और ये ऑक्स केबल से चलता है और USB से पावर लेता है और इसका मॉडल है QHM602। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। मुझे इस स्पीकर की ज़रूरत थी, इसलिए मैंने ये ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से। और इसका प्राइस मैं आपको बता दूँ, ये मुझे पड़ा है 380 रुपीज़ का। और इसका बॉक्स काफ़ी छोटा है, इसका मतलब जो स्पीकर हैं काफ़ी कम्पैक्ट हैं। इसे मैं खोल के देखता हूँ अब कि स्पीकर कैसे हैं। इसमें है एक यूज़र मैनुअल, इसमें ड्राइवर साइज़ दिया हुआ है 40 mm का, सेंसिटिविटी, कनेक्टिविटी कैसे होती है इसकी, आउटपुट 3 वॉट का है, इसमें 2 स्पीकर हैं इसलिए 3W × 2 लिखा हुआ है। पावर इनपुट USB 5 वोल्ट से पावर मिलती है। स्पीकर साइज़ 40 mm है और 3.5 mm जैक से ये कनेक्ट होता है। इसमें दिखा रखा है कि इसको कैसे कनेक्ट करना है हमें, कंप्यूटर से या लैपटॉप से। और इसमें साथ साथ दिखा रखा है कि इसे हम मोबाइल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि हम चेक करेंगे कि मोबाइल को सपोर्ट करता है कि नहीं। तो बात आती है हमारे स्पीकर्स की। स्पीकर को मैं बाहर निकालता हूँ, ये देखिए। दो स्पीकर्स हैं, काफ़ी क्यूट लग रहे हैं, दोनों को रैप किया हुआ है पॉलिथीन में। पॉलिथीन निकालता हूँ मैं, ये देखिए। ये देखिए, बॉक्स साइड में करता हूँ। अब देखिए, पास से देखिए, दिखने में बड़े ही क्यूट लग रहे हैं। ये ब्लैक कलर के हैं, क्वांटम कंपनी है और इसमें लिखा है कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और इसके साथ देखिए, आप कनेक्टिविटी के लिए USB पोर्ट दे रखा है, जिससे इसको पावर मिलेगी। और ये 3.5 mm जैक है, जिससे ये ऑडियो का इनपुट लेगा। तो अब हम इसे चला के देखेंगे कि ये लैपटॉप पे चलता है या नहीं चलता है, या मोबाइल से कनेक्ट होता है कि नहीं होता है, और इसकी साउंड कैसी है, साउंड क्वालिटी चेक करेंगे। तो दोस्तों, इन स्पीकर्स को मैं अपने लैपटॉप पे कनेक्ट करके देखता हूँ और देखता हूँ कि इनकी साउंड क्वालिटी कैसी है। तो मैं इसको पावर देता हूँ USB से, ये मैंने जोड़ दिया। अब बारी आती है ऑडियो के लिए, ये 3.5 mm जैक लैपटॉप में लगाने की, मैंने लगा दिया और आवाज़ आई, यानी ये कनेक्ट हो गया है। और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ इसकी साउंड क्वालिटी। ये दोस्तों, इनमें से एक स्पीकर में वॉल्यूम कंट्रोल के लिए हमें एक नॉब दे रखा है, इससे हम वॉल्यूम को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं चला के दिखाता हूँ आपको दोबारा और उसकी वॉइस कंट्रोल करता हूँ। तो देखिए, अभी वॉइस पूरी बंद हो गई है। अब मैं यहाँ से ओपन करूँगा, पूरी फुल कर दूँगा। ये देखिए, तो दोस्तों आपने देखा, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही लाउड है और एक रूम के लिए तो काफ़ी अच्छी है। और ये फुल वॉल्यूम था इसका। अब मैं इसे कनेक्ट करके देखूंगा अपने मोबाइल से कि क्या ये मोबाइल को सपोर्ट करता है। तो आइए इसको मोबाइल से कनेक्ट करते हैं। मेरे पास ये दूसरा मोबाइल है, जिसे मैं इसे कनेक्ट करूँगा।
पावर तो मुझे इसको देनी पड़ेगी क्योंकि बिना पावर के शायद चलेगा नहीं। ट्राई करते हैं एक बार बिना पावर के इसे चला के देखते हैं। तो पावर मैं निकाल लेता हूँ इसकी लैपटॉप से, यूएसबी ऑक्स केबल भी निकाल लेता हूँ और इसको मोबाइल में कनेक्ट करता हूँ। ये मैंने कनेक्ट कर दिया है, प्ले करता हूँ तो ये कनेक्ट नहीं हुआ है ठीक से, मे बी जैक सही से लगा नहीं है। अब मैं देखता हूँ ये कनेक्ट किया तो देखिए आवाज़ नहीं आ रही है, इसका मतलब उसे पावर की ज़रूरत है। तो मैं लैपटॉप में ही डाल देता हूँ इसके यूएसबी वाले पोर्ट को ताकि इसको पावर मिले। मैंने डाल दिया है, अब मैं ये देखिए आवाज़ आने लगी है, फुल करता हूँ। मैंने आवाज़ कम कर दी है और फुल करता हूँ। तो दोस्तों हमारे स्पीकर मोबाइल को भी सपोर्ट कर रहे हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को और इतने कम दाम में ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो दोस्तों ये थे हमारे यूएसबी मिनी स्पीकर जो क्वांटम कंपनी के हैं और इसका मॉडल नंबर है QHM602। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मुझे ऐसे स्पीकर्स चाहिए थे और मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाए हैं। इनका प्राइस सिर्फ 380 रुपीज़ मुझे पड़ा था और इतने कम प्राइस में ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट मुझे लगा है। इसकी साउंड क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। अगर आपको भी ऐसे मिनी स्पीकर्स ख़रीदने हैं तो मैं इस प्रोडक्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे सकता हूँ, वहाँ से आप जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। और एक बात बता दूँ, मैंने इन प्रोडक्ट्स की डिटेल चेक की थी, मुझे इनकी कोई वारंटी नहीं मिली, तो शायद इनकी कोई वारंटी नहीं है और आप जानते हैं इसका प्राइस काफ़ी कम है तो शायद वारंटी इसलिए इसे उन्होंने नहीं दी है। तो वैसे तो ओवरऑल प्रोडक्ट ठीक लग रहा है, बाकी कितना चलेगा ये मुझे नहीं पता है। और आपको चाहिए तो आप इसको भी परचेज़ कर सकते हैं। और इसी के रेंज में या इसी प्राइस रेंज में और भी कंपनीज़ के स्पीकर्स आते हैं, जैसा कि टेराबाइट हो गया या और भी एक दो कंपनियाँ होती हैं। और इससे थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आईबॉल के भी आते हैं और भी कई कंपनीज़ हैं, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये प्रोडक्ट आपको कैसे लगे आप खुद वीडियो में डिसाइड कर सकते हैं देख के। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।